उद्योगपति रतन टाटा अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानियां जीवित हैं। 9 अक्टूबर 2024 की रात भारत के दिग्गज कारोबारी और आम लोगों के दिलों पर राज करने वाले रतन टाटा का निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में पूरा देश शोकाकुल रहा। रतन टाटा के अंतिम संस्कार में देश दुनिया की जानी मानी हस्तियां भी शामिल रहीं। रतन टाटा की अंतिम विदाई में उनके भरोसेमंद दोस्त और बेहद करीबी माने जाने वाले शांतनु नायडू आगे आगे चल रहे थे। गुरुवार की सुबह उन्होंने लिंक्डइन पर एक इमोशन पोस्ट भी शेयर किया था। नम आंखों से रतन टाटा को अंतिम विदाई देते हुए शांतनु ने लिखा था, इस दोस्ती ने अब मेरे अंदर जो खालीपन पैदा कर दिया है, मैं अपनी बाकी की जिंदगी उसे भरने की कोशिश में बिता दूंगा। प्यार के लिए दुख की कीमत चुकानी पड़ती है। अलविदा मेरे प्यारे लाइट हाउस। रतन टाटा के साथ उन्होंने अपनी एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की थी। शांतनु नायडू की रतन टाटा से मुलाकात और फिर दोस्ती की वहज पशु व जानवर प्रेम के कारण हुई। दोनों की मुलाकात साल 2014 में हुई थी। नायडू एक्सीडेंट से आवारा कुत्तों को बचाने के लिए उनके गले में रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाते और फिर आवारा कुत्तों के गले में लगा देते थे, जिससे ड्राइवर को यह रिफ्लेक्टिव कॉलर अंधेरे में भी दिख जाता था और वह वाहन को रोक देता था। इस आइडिया ने रतन टाटा को काफी प्रभावित किया था, जिसके बाद से ही रतन टाटा की शांतनु से मुलाकात हुई और शांतनु के असिस्टेंट बनने के बाद ये दोनों एक गहरे दोस्त हो गए। पहली बार जब नायडू रतन टाटा से मिले थे तो वे सिर्फ 20 साल के थे। ऐसी ही एक कहानी और है कि कैसे उन्हें टाटा के पसंदीदा ब्रांड की शर्ट पहनने के लिए आधी सैलरी तक खर्च करनी पड़ गई थी। यह शर्ट का किस्सा तब का है जब नायडू पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे। वह बताते हैं कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए जाने वाले थे और इससे पहले रतन टाटा से मिलने का अनुरोध किया। खास बात है कि टाटा ने उन्हें डिनर के लिए बुलाया। अब इस खास मुलाकात के लिए वह ब्रूक्स ब्रदर्स ब्रांड की शर्ट पहनकर पहुंचे थे। यह वही ब्रांड है जो टाटा का फेवरेट कहा जाता है। नायडू ने बताया है कि जब उन्होंने टाटा को ब्रूक्स ब्रदर्स की शर्ट पहने देखा तो उन्होंने भी इस ब्रांड की एक शर्ट खरीदी थी। उन्हें इस शर्ट के लिए अंतिम महीने की आधी सैलरी खर्च करनी पड़ गई थी। फिलहाल इस किस्से के बारे में आपको क्या है कहना, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।